बहुत सालों से एक छोटे से गांव में एक अनोखी रेलगाड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि रेलगाड़ी रोज एक नए सैर स्थल की ओर जाती थी, लेकिन जब भी कोई उसमें सवार होकर वापस लौटता तो उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक होता था। लोगों ने उसे रहस्यमयी रेलगाड़ी कहना शुरू किया। गांव वाले रोज रेलगाड़ी की आगामी यात्रा का इंतजार करते थे। एक दिन गांव का एक युवक राज ने अपने दोस्तों के साथ रेलगाड़ी में सवार होने का निर्णय किया। सभी चिंगारी बजा रहे थे क्योंकि यह सबके लिए एक नया साहस था। राज ने रेलगाड़ी में पहले कदम रखा और बैठते ही वह अचानक एक चीज का सामना करता है। वहां एक पुरानी पुस्तक और एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। राज ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, हर मिनट कुछ नया, हर मिनट एक रहस्य। राज को यह समझ में नहीं आया कि रेलगाड़ी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। फिर से पढ़ते हुए वह अपने दोस्तों को बुलाता है और सबको बताता है कि इस यात्रा में हर मिनट कोई रहस्य है। यात्रा के दौरान हर मिनट रहस्यमयी घटनाएं होती जाती हैं, जिससे सभी सवार हैरान रह जाते हैं। आखिरकार जब रेलगाड़ी गांव लौटती है, वहां सभी को एक और रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। सफलता का रहस्य सिर्फ रहस्यमयी मोह में छिपा होता है, जो सिर्फ उसका ही राज जान सकता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और वे अब भी सोचते हैं कि कैसे रेलगाड़ी ने सभी को एक सफल और खुशहाल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया। राज ने सीखा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना होता है और हर मिनट में एक नया सीखना होता है।